जावेद भाई, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि काफ़ी वायरल हुआ हुआ है, तो हमने मौके को गनीमत जाना कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो बाकी लोगों को यहाँ वहाँ जवाब देने से बेहतर है कि आपसे पूछ लिया जाए। इंडिया में आपकी बाल ठाकरे से मुलाकात हुई थी एक मरतबा, और उसका मौकफ वहाँ से ये दिया गया था कि आप वहाँ ये रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने दें, जबकि हकीकत इसके खिलाफ थी, ऐसा हुआ नहीं था, तो क्या एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था? नहीं, नहीं, वो नहीं थी, मैं गया हुआ था उसके जी टी वी जो थी ना उसके उसके ना प्रोग्राम, हमने कहते थे कोई 7, 8, 10, 11 प्रोग्राम उन्होंने कहते लाइव, और एवरी डे सारी जगह कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, तो वो उन्होंने कैसे किया था कि सुबह है ना वो कोई किसी को भी दे देते हैं, मियादाद आप मेहमान आपके घर में मियादाद इस तरह से, तो हम सुबह जाते थे, ये जिसने अगर क्वेश्चन जिसने दिया होता था सही उसके घर जाते थे, बैठते थे, खाना पीना होता था सारा कुछ, यानी कि उसके बाद फिर है ना शाम को रात को वापस फिर ये होता था प्रोग्राम म्यूज़िक का या गाने का या बड़े शायर आते थे, यानी कि इस तरीके कोई 13-14 थे। तो बाल ठाकरे घर भी आते थे? हाँ, तो बाल ठाकरे मैं जब वहाँ गया बॉम्बे, तो मैं इनका जो बाल ठाकरे का एक और वो है भाई का वो है, तो उसको मैं जानता हूँ, जानता था तो मगर फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया ना कि तुम लोगों, मैंने कहा हाँ चलो, तो बुलाया था, काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट की थी, और फिर वो कह रहे थे कि भाई मैं देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पाकिस्तान के यार, मगर जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो यूँ होता है यार, उनके तो अपने नाम में बॉल आता है, क्योंकि जैसे ही क्रिकेट फीवर आता है और पीएसएल चलने लगता है इंडिया से ये शरारतें शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात है हम दो, उन्होंने और मैं दोनों ने बैठ के इंटरव्यू किया, यानी कि लाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे बॉम्बे की गलियां है ना भरी हुई थी। उनके तो नाम में बॉल आता है, पिच उखाड़ने में, ये सब करने में बड़ा मशहूर है। नाज़रीन,